प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सीकर के दातारामगढ़ में भी प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी बीच हमारे संवाददाता गिरधारी सोनी ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील धायल से खास बातचीत कर वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान डॉक्टर धायल ने बताया कि नोहर भादरा से लौटे 12 जमातियों को खाटू श्यामजी में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और इन सभी के सैंपल लेकर लैब में भिजवाए गए हैं। इसी बीच दातारामगढ़ क्षेत्र में जयपुर से आए 3 लोगों की सूचना पर चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। इस दौरान पुलिस ने इन 3 युवकों के सैंपल भी जयपुर भिजवाए हैं। कोरोना वायरस को लेकर सरकार और प्रशासन पूरे तरह से गंभीर नजर आ रहा है और सरकार और प्रशासन द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में कई व्यवस्थाएं कर रखी है, कई जगह पर कर्फ्यू लगाया गया है, लॉकडाउन की पालना करवाई जा रही है। उसी को लेकर दातारामगढ़ में भी चिकित्सा विभाग द्वारा काफी सतर्कता दिखाई जा रही है। चिकित्सा विभाग द्वारा बराबर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जाँच करवाई जा रही है और जो बाहर से जमाती आए हैं उनको चिकित्सा विभाग द्वारा खाटू श्याम जी स्थित धाम में रखा गया है। जिनके सैंपल जयपुर भिजवाए गए हैं उनकी रिपोर्ट अभी आना शेष है, लेकिन इसी के बीच में क्षेत्र में कई अफवाहें भी आ रही है कि लोग कि अपने क्षेत्र दातारामगढ़ में क्षेत्र में जो जमाते आए थे उनमें पॉजिटिव है और एक अफवाह और आ रही है कि जयपुर से 3 जमाती कोई आए जो रामगंज और सूरजपुर इलाके से भाग के आए हैं वो दातारामगढ़ में है वो पॉजिटिव है, ऐसी अफवाहें आ रही है। इन्हीं अफवाहों पर जो चल रही है उसको लेकर हम दातारामगढ़ की सीएम एच सुनील जी दाहिल से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। जी सर, अभी देखो अपने शहीद धाम में 13 पैसेंजर हैं जो रुके हुए थे, पहले उनका सैंपल हमने भेज दिया था लेकिन उनकी रिपोर्ट आना अभी शेष है। आज शाम तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। उनकी किसी में भी ऐसे लक्षण तो नहीं है कि वो पॉजिटिव हो, लेकिन रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। और आज की जो अफवाह फैल रही है कि कोई पॉजिटिव आ गया ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर 3 लोग आए थे रामगंज से, उनके भी हमने अभी सैंपल लिए, मैं खुद भी जाकर उनको देख के आया हूँ, वो ठीक है ऐसे, लेकिन वो रामगंज इलाके से आए थे, थोड़े संदिग्ध है, तो उनके सैंपल लिए, उनको आज भिजवा दिया है, 3 दिन में उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे रिपोर्ट आती है देखते हैं पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, लेकिन उनको 14 दिन तक अपन क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे। तो अभी ये जो अफवाह फैल रही है कि कोई पॉजिटिव आ गया या कोई केस मिल गया तो वो सब झूठी है, ऐसा कुछ नहीं है, हम वो संदिग्ध हैं तो उनको अपन 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे। अच्छा सर, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनको लेकर भी चिकित्सा विभाग द्वारा कोई कंप्लेंट की जा रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? जैसे भी सूचना मिलती है तो हम यहाँ के जो सीए साहब है, एसएचओ साहब है, एसडीएम है, उनके पास में ये जो भी सूचना होती है वो भेज देते हैं और वो अपने स्तर पर कार्रवाई करते हैं और उस चीज़ का खंडन करते हैं। तो आपने देखा कि बीएमसी साहब ने क्लियर कर दिया है कि अभी दातारामगढ़ क्षेत्र पूर्ण गया है, ठीक है, यहाँ की स्थिति हालात बिल्कुल ठीक है, कुछ लोगों के सैंपल भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट आना भी शेष है, बाकी अपनी दातारामगढ़ क्षेत्र बिल्कुल किसी तरह का यहाँ पर केस नहीं है और इसको लेकर चिकित्सा विभाग और प्रशासन द्वारा काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है, लॉकडाउन का